लॉकडाउन खत्म, अब होगा असली काम शुरू। नादान बालक, ये कोई तरीका हुआ सफाई करने का? आप कौन? मुझे अपना रक्षक समझो या अपना शुभचिंतक, तुम मुझे मास्टर जी बुला सकते हो। अच्छा, पर आप यहां क्यों आए हैं मास्टर जी? तुम्हें सही राह दिखाने। अगर रखना है खुद को और अपने कस्टमर्स को कोरोना से दूर, तो बदलने पड़ेंगे अपने दस्तूर। अब जल्दी से लो एक बाल्टी पानी, उसमें मिलाओ ब्लीच या कोई भी कीटाणुनाशक। अब इस पानी से अपने सलून का एक एक कोना साफ करो। ये रोज सुबह सलून खोलने से पहले नियम से करना पड़ेगा सुरेश। समझ गया मास्टर जी। अरे वाह, तुम तो जिलेट के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हो। बढ़िया शेव तो जिलेट फोम से ही बनती है। पर ध्यान रखना, औजारों को हर कस्टमर का काम करने के बाद ठीक से साफ करना। इन्हें साफ करने के लिए 1 लीटर पानी में 70 ml कीटाणु नाशक मिलाओ और 30 मिनटों तक औजारों को भिगाए रखो। और हर टेबल पर रखो एक सैनिटाइजर या साबुन, ताकि तुम और तुम्हारे यहाँ जितने भी लोग काम करते हैं वो नियमित रूप से अपने हाथ साफ कर सकें। अब मेरे कस्टमर्स बिना फिकर राजा की तरह आकर मेरी कुर्सी पर बैठ सकते हैं। बैठ तो सकते हैं, पर 2 मीटर की दूरी बनाकर। कोरोना वायरस से बचने के लिए एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी बनाए रखना जरूरी है। इस समय तुम्हारी कुर्सियों के बीच दूरी कम है, एक कुर्सी निकाल दो, काम बन जाएगा। पर उससे तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, उल्टा कस्टमर्स का तुम्हारे ऊपर विश्वास बढ़ेगा। फिर तो वो मास्क भी ले आता हूँ। मैंने अखबार में पढ़ा था कि मास्क पहनना बहुत जरूरी है। वाह, तुम तो बड़े समझदार हो गए हो। लेकिन मास्क के साथ सर ढकने के लिए टोपी और एप्रन भी तुम्हें पूरे दिन पहनना पड़ेगा। अच्छा, चलो फिर सभी बार्बर भाइयों के लिए इनका बंदोबस्त कर देता हूँ। बिल्कुल, और अपने यहाँ काम करने वाले बार्बर भाइयों को समझाना होगा कि उन्हें सर्दी, खांसी, बुखार, गले में दर्द हो तो वो ठीक होने तक घर पर ही रहें। समझ गया मास्टर जी। अब मेरे नए लुक में एक सेल्फी ले लूं। सबको बता देता हूं कि मेरा सलून अब रेडी है। अब फोन निकाल ही दिया है तो आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड कर लो। उससे अगर तुम किसी कोरोना वायरस पेशेंट के पास आते हो तो तुम्हें तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलो कर लिया डाउनलोड। कोरोना वायरस से सुरक्षा के नियमों का पालन करने वाला हर बार्बर मास्टर बार्बर है। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते सुरेश। कोरोना वायरस से आपकी और आपके कस्टमर्स की सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। आज सावधानी अपनाई तो सबकी होगी भलाई।